नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। भाई के पैसों को खुर्द बुर्द करने का षड्यंत्र रचने वाला अपने दो साथियों सहित गिरफ्तार। मोगा के जिला पुलिस मुखी हरजीत सिंह पन्नू द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि मोगा के गांव आलमवाला के नजदीक दो दिन पहले जो लूट की वारदात हुई थी, उस वारदात को शिकायतकर्ता ने अपने दो साथियों से इस वारदात को करवाया था। पुलिस ने तुरंत दोनों युवकों को हिरासत में लेकर उनसे लूटे 2,75,000 रुपए और एक पिस्टल बरामद कर लिया है। आइए सुनते हैं एसएसपी हरजीत सिंह पन्नू को। 100 नंबर पे जगसीर सिंह वालों कंप्लेंट आई थी कि आलमवाले के कोल हरप्रीत सिंह वो आ रहा है अपने मोटरसाइकिल पे, पिछों स्विफ्ट कार से चार नौजवान आए और उन्होंने फायर करके उसके तो 4.5 लाख रुपया जरा खो के लै गए। इनफॉरमेशन मिलने के उत्ते इमीजिएटली SHO साहब, DSP साहब, मैं खुद भी इस मौके पर गए तो मौके के उत्ते जरा वेरीफाई किया। वेरीफाई करने तो बाद जो हरप्रीत सिंह ने जिदा लुट हुई थी वो हॉस्पिटल जाके जो पुछगिछ करनी शुरू की तो इनू उदो इंजैक्शन वगैरह दिते थे, जिस करके बहुत ही होश नहीं थी। फिर सानू वेट करनी पई, वेट करके जो ये होश च आया ये स्टेटमेंट के उत्ते केस रजिस्टर किया गया। केस रजिस्टर करके असं फरदर इनवैसटीगेशन की। फरदर इनवैसटीगेशन तो जिहड़ा जगसीर सिंह सी जिन्हें इनफॉर्म किया सी उह अते नाल उहदे गुरजीत सिंह, ये दो जिहड़े आ मुलजम पाए गए और इन्हां नूं गिरफ्तार करके जदों पुछगिछ की तां इन्हां तों इक रिवालवर ते 2,75,000 रुपया जिहड़ा उह बरामद हो गया। मोगा के SSP हरजीत सिंह पन्नू जिस तरह से मोगा के अपराधियों की धर पकड़ कर रहे हैं, उससे अपराधियों के हौसले परस्त होने लगे हैं। यह थी मोगा से विपिन ओकारा की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।